चलिए आइए। सो सर, हाउ वाज द मूवी द कश्मीर फाइल्स देखकर आए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे कितने, 2 घंटे के, 3 घंटे के, मुझे नहीं मालूम, 3 घंटे, मैं 2.5 घंटे आंखें नहीं हटा सका फ्रेम से। इतनी इंग्रॉसिंग बात है, परफॉर्मेंस सुपर्ब है, और मैं तारीफ देना चाहूँगा, तारीफ करना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री का, जिसने 30 साल पुराना सत्य, तू इधर आ, एक में भैया, एक उधर से दे। तो मैं विवेक जी की तारीफ करना चाहूँगा, जिन्होंने 30 साल पुराना सच लोगों के सामने लाया। ये सच ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं कि अगर आप गलत न्यूज़ दो तो आप पाप कर रहे हो, लेकिन अगर आप सच न्यूज़ हो उसको छुपा के रखो तो उससे भी बड़ा पाप होता है। क्यों छुपाया गया 30 सालों से, क्यों छुपाया गया 30 सालों से हमें इस सत्य से? आई मीन, मैं तो जानता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में भी ये हुआ है, मेरी फैमिली में भी ऐसे विस्थापित हुई है फैमिली मेरे वहाँ से मेरे, तो मुझे पता है, मैंने कहानियाँ सुनी हुई हैं। लेकिन एक कॉमन मैन तो यही समझता है कि भाई, उस कॉमन मैन को ये कोई समझाएगा कि अपने ही देश के एक कमरे से निकलकर एक दूसरी कमरे में आप जा रहे हो और आपको शरणार्थी बोला जा रहा है? 30 साल तक वो शरणार्थी हैं। पाकिस्तान से आए तो समझ में आता है कि चलो पाकिस्तान से आए तो आप शरणार्थी हैं, लेकिन मेरे देश में से कश्मीर, जिसमें मैं हर साल जाता था, एवरी सेकेंड ईयर मेरे बड़े भाई साहब हमें श्रीनगर लेके जाते थे, पहलगाम लेके जाते थे, उसके जैसी जगह नहीं है हिंदुस्तान में। उसके अंदर हम रहते हैं वहाँ, धीरे धीरे, कभी कभी मुझे याद है उस वक्त कुछ लोग कहते थे कि ये लोग, ये जो भेजते हैं ना, जो चेरी वेरी, वो पूछते हैं अरे हिंदुस्तान से आए हो? अब वहाँ पहली बार लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ इतनी बड़ी लेवल पे गई है, मुझे हैरानी है कि किसी ने, और मुझे सरकार से भी हैरानी है, सरकार को भी मैं दोषी ठहराऊंगा कि क्यों आपने 30 सालों तक इन लोगों को वापस उनके घर तक नहीं पहुँचाया, क्यों नहीं घर दिया उनको, क्यों? और अगर मोदी जी ने भी कहा था अपने 2014 के इलेक्शन जब जीत कर आए थे, बोला मैं हिंदू पंडितों को स्थापित करूंगा, मैंने कहा था अगर ये कर जाएंगे ना तो ये सुपर हीरो बन जाएंगे, शक्तिमान बन जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। 8 साल बीत गए हैं, अभी भी एक 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 मेकर को एक ऐसी फिल्म बनानी पड़ती है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, कई बड़े 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 प्रमोशन नहीं करने दे रहे हैं, और मुझे हैरानी है उन बड़े बड़े जो सो कॉल्ड प्रमोट करते हैं अपने शो में पिक्चरों को, वो इनको नहीं करने दे रहा, ये मुझे अंदर की बात बताई गई है, विवेक अग्निहोत्री ने खुद भी कहा है। और एक हैरानी की बात मैं कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस डायरेक्टर को जानता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट से ही है, कश्मीरी पंडित खुद है, उनकी पत्नी का मैंने रिव्यू पढ़ा, मुझे हैरानी हुई कि क्या सोच कर आप कर रहे हैं, आप किसी, आपको समझ में नहीं आ रही कि ये सच हर शख्स तक पहुंचना चाहिए? तो मुझे 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 हैरानी है कि भाई ये क्यों नहीं इसको, और इसलिए ये खुशी है कि आगे आप कह रहे हैं कि भाई ये बोल, कौन बोल रहा है, ये कौन है, ये माइक है? ओके, चलिए, सो आई एम सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस न्यूज़ हैज़ टू रीच एवरी, और टैक्स फ्री हो रहा है, मुझे लगा, मुझे बताया गया कि लोग टैक्स फ्री कर रहे हैं, स्टेट्स ने कर भी दिया है, मैं चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान में टैक्स फ्री करिए, इस फिल्म को प्रमोट करिए, अगर ये बड़े बड़े प्रमोटर्स प्रमोट नहीं करते, एक बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्री में लोग पता नहीं क्यों अपने आप को भारत से अलग प्रूव करते हैं, अगर ये भारतवासियों का दुख आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे देश के वासी नहीं हैं। अगर उनमें से भी ये लोग प्रमोट नहीं करते तो इस फिल्म को पब्लिक प्रमोट करेगी, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, आपने भी रिव्यूज देखे होंगे, इवन कॉमन मैन के रिव्यूज भी ऐसे आ रहे हैं, आई थिंक ये प्रमोशन पूरी पब्लिक करे और पब्लिक देखे, और मैं समझता हूँ ये फिल्म बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बने, क्योंकि ये एक मकसद एक छूटा हुआ लक्ष्य जिसको सरकार भी भूल गई है। जब हुई थी, मैं समझता 1990 उस वक्त सरकार कोई और थी, उस वक्त नहीं हुआ, उसके बाद भी सरकार आई, फिर भी नहीं कुछ हुआ, लोग अपने अपने जगह पर, क्यों? सो आई होप दैट दिस फिल्म रीचेज टू मासेस एंड इट रीचेज टू एवरीबडी, इट इज रीचिंग ग्लोबली, मैंने सुना इवन वर्ल्ड में भी लोग उसको, वर्ल्ड में भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये वर्ल्ड क्लास फिल्म बनी है, ये हमारे कॉमन 300 करोड़ की फिल्म नहीं है, 200 करोड़ की एक फिल्म अभी भी रिलीज हुई है जिसका नाम राधे श्याम, नाम इतना अच्छा रखा है, बट मैंने उसका भी रिव्यू पढ़ा तो थोड़ा सा निराशाजनक बात की, पैसे खर्च करने से फिल्म नहीं बनती, शक्तिमान पैसे खर्च करके नहीं बनी थी, स्टोरी थी।
ये यस और कोई मुद्दा ऐसा है जो अभी तक आपको लग रहा है कि छुपा हुआ है, लोगों के सामने आनी चाहिए फिल्म बननी चाहिए उस पर? और मुद्दा बिसाइड्स दिस कश्मीर, कश्मीर और भी कोई ओवरऑल कोई भी ऐसा मुद्दा जो जानना जरूरी है देश कश्मीर के बारे में? कि कश्मीर या कोई भी देश में कोई भी मुद्दा उठा दीजिए साहब, ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं। जो सबसे स्पेशल लग रहा हो कि बहुत लेट हो रही है उस पर आनी चाहिए, जैसे आप कह रहे हो कि भी आर्टिकल 370 आ गया है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, इट हैज़ टू बी। मैं कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचती। बहुत से मुद्दे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम चेंज होना चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम चेंज होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री होना चाहिए। आज अगर हम हमारे देश की एक ही भाषा होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं हिंदी है, और लोग कहते हैं नहीं साहब साउथ उसको वो करता है, अपोज करता है। साहब करने दो ना, क्या हमारा देश एक है? हमारा देश साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नहीं है। वल्लभ भाई पटेल एक सार्वभौमिक राष्ट्र बनाकर गए थे ना, एक राष्ट्र। उसमें अगर बीच में अगर उधर से ममता वहाँ से कुछ बोले, साउथ वाले कुछ बोले, केरला वाले कुछ बोले, और सरकार चुप रहे, नहीं साहब चुप कराइए, डंडे से चुप कराइए उनको। मैं ओपनली बोलता हूँ देश में अभी एक ऑनेस्ट डंडा चाहिए। अच्छी अच्छी बातें पास नहीं होती पार्लियामेंट में, करोड़ों रुपये का लॉस हो जाता है, कुछ काम नहीं होता। तो वो करने की ज़रूरत है, एक पावरफुल सरकार। इसलिए मैं कहता हूँ कल इलेक्शन जो आया यूपी का इलेक्शन, वो सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, देश की जीत है, प्रचंड बहुमतों से आया। मैं चाहता हूं कि एवरी स्टेट में अभी रूलिंग सरकार, मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि मैं बीजेपी का हूं या मैं कांग्रेस का नहीं हूं या सपा का नहीं हूं, मैं इसलिए बोलता हूं कि देश को एक स्थिर सरकार चाहिए। 75% जब तक मेजोरिटी लेके वोट नहीं आएगी तब तक देश का कुछ नहीं होगा, यही होता रहेगा, वो उधर से वो खींचेगा, उधर से करेगा। सो आप पूछते क्या होना चाहिए, मैं समझता हूँ एक ऑनेस्ट डंडा होना चाहिए देश में जो असली बातों को ठीक करे। जी, हिजाब को लेकर भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है अपने देश में, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आपसे? सर देखिए, धार्मिक मामले इतने हैं कि भड़काने में टाइम नहीं लगता। ये पॉलिटिक्स और ये राजनीतिज्ञ हैं जिनका माफ़ करना, एक ही धर्म है कैसे जीता जाए। ऑपोजिशन चाहती है कि मैं टांग मार के जो शासन कर रहा है उसको गिरा दूं और फिर बैठ जाऊं, करोगे क्या आप? हमने भी आपकी हिस्ट्री देखी हुई है। सो आप जो अच्छे काम है उसकी प्रशंसा कीजिए, बुरे काम को आप बुरा ही करिए, लेकिन यहाँ 100% बातों को आप बुरा बोलोगे तो लगेगा कि आपके मन में खोट है। तो ये हिजाब का केस हो या कोई भी केस हो, ऐसा टू द मेन पॉइंट ठीक है, लेकिन जब ये पार्टी पकड़ती है वो पार्टी पकड़ती है और फिर जब झगड़ा करती है ना, तो वो मसला साइड में रह जाता है और सीटें गिनने की बात में आ जाती है। ओके, अगर द कश्मीर फाइल्स की बात की जाए, परफॉर्मेंस वाइज किस तरह से आप बताना चाहेंगे? ये मिथुन दा हो गए, अनुपम खेर हो गए, दर्शन रावल हो गए, पल्लवी जोशी हो गए, किस तरह से आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं परफॉर्मेंस करूँ, सबने बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस किया है। मैं अनुपम जी तो डेफिनेटली ग्रेट किया है, लड़की ने भी ग्रेट किया है जिसका नाम पल्लवी जोशी है, वेरी फाइन एक्ट्रेस। नेगेटिव होते हुए भी उसने कोशिश की है उसको पॉजिटिव बनाने की अपने तरफ से, उसको बिलीफ बोलते हैं। जैसे चौधरी सारंग सबको गोली मारता था लेकिन वो अपने आप को बोलता था मैं पॉजिटिव हूँ, शी डिड दैट। बट द क्रेडिट गोज टू दैट बॉय विच आई हैव नेवर सीन बिफोर, दर्शन। मुझे नहीं पता कि कौन सी फिल्में की है उसने, बट लास्ट की 10 मिनट की स्पीच वॉज टेरिफिक। जैसे कि बॉलीवुड को माना जाता है आईना, सच का आईना, लेकिन कश्मीर फाइल को बनाने को 30 साल क्यों लग गया? सर देखिए बहन जी, आपको एक बात बताऊं, एक ज़माना था जब 2 बीघा ज़मीन बनती थी, गुमराह बनती थी, दहेज के ऊपर फिल्म बनती थी, और हम कहते थे फिल्में जो हैं वो समाज का आईना है। आजकल फिल्में एक प्लेटफॉर्म हो गई है लोगों को बिगाड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। आप ऐसी ऐसी ग्लैमराइज बातें करती हैं, यूथ बिगड़ रहा है, आज का जो सोशल मीडिया है उसने इतना बिगाड़ दिया। सो देर इज़ नथिंग लाइक कि फिल्म जो है वो समाज का आईना है, आज उल्टा हो गया। आज फिल्म बच्चों को सिखा रहा है, ऐसी ऐसी ऐड बनती है जहाँ कहते हैं दूर दूर बैठो, नज़दीक नज़दीक मत बैठो, हमारा एक जुड़ाव परिवार को तोड़ते। सो देर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग समवेयर वेयर यू नीड टू हैव सेंसर ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑल्सो, सेंसर ऑन, मैं तो आपके सामने मुँह पर बोलता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल्स को भी सेंसर करना चाहिए क्योंकि आप नेगेटिव न्यूज़ बहुत दिखाते हैं। ओके, जैसे कि जिन्होंने कश्मीर फाइल मूवी देखी, जो कश्मीरी पंडित थे वो काफ़ी जन रो पड़े थे, आप कितना फील करते हैं? मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तानी के हिसाब से मेरा दिल बहुत टच किया है। मेरे घर में एक मेरे भतीजे की वाइफ वहाँ से श्रीनगर से उनके परिवार को भागा है, तो मुझे रियलिटी मालूम है। आंसू आए नहीं बट अप्रिशिएशन मेरे को बहुत आया, एक एक चीज़ में तालियां बजी थी लास्ट में जो फिल्म की, उसमें मेरी भी एक ताली थी।
So definitely film is Vivek Agnihotri has done and shiddat se film banayi. Ye film itni aasani se nahi bani hai. Ye film ki ek shots aap dekhiye, shoot karne ko bahut time laga hoga aur ye ek ne uthaya hai to main usko kahunga Vijayi Bhav. और ये फिल्म सब तक पहुंचनी चाहिए और ये कश्मीरियों को इज्जत के साथ में श्रीनगर ले लाके जाना चाहिए. मिलिट्री के टैंक्स खड़े कर दो सामने और उनको प्रोटेक्शन दो. आई होप दिस फिल्म इज अ स्टार्ट. ओके, वेलकम. जय से बात कर कोऑर्डिनेट. आइए सर. सर एक टीम के साथ, सर एक सिनेमा टीम के साथ. हमें और कोशिश दूंगा किसी को. एक फोटो सर, फोटो लेते जाओ. बट अभी में कोई नहीं. अरे ये फोन तो मेरे पास था. ये कैमरा तुमने कैसे नहीं शूट किया? किसने किया है सर? सही ले लो जान. थैंक यू सर. वेलकम. आशीष भाई, आशीष की सारी फोटो.